सरकार की ईंट सेठ बजाएंगे आगे इलेक्शन आने वाला है, क्योंकि 2.5 लाख जो पेंशनर हैं हर आदमी के साथ 10 वोट कम से कम आप ये मान के चलो। जानबूझ के इस हिंदुस्तान को जो एक गुलदस्ते के तौर पे बना हुआ था उसको डिवाइड एंड रूल पे आपस में कर्मचारी कर्मचारी से, हिंदू मुस्लिम से, सिख ईसाई से बांटने के अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। नमस्कार, मैं जनता की आवाज़। इस वक्त हम मौजूद है करनाल के लघु सचिवालय में, जहां पर हरियाणा भर के रिटायर्ड कर्मचारी यहां पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने पहुंचे, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। पेंशन बढ़ोतरी कर देंगे, कैशलेस मेडिकल लागू करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन आज उनकी अनदेखी कर रही है। और उसके साथ साथ जनता के जितने वर्ग हैं, ये स्टूडेंट्स बैठे हैं जो मेडिकल में बॉन्ड सिस्टम लाए हैं, इसका भी हम विरोध करते हैं। किसानों का जो भी समझौता है उसको लागू करो। सरकारी महकमे जो बर्बाद किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य उनको जनता के लिए बनाए गए थे, वो जनता के लिए रहने चाहिए। कारपोरेट को हवाले करके ये देश के साथ भी धोखा होगा। तो इन मुद्दों को लेकर के आज रिटायर्ड कर्मचारियों की संघर्ष समिति आज करनाल में सारा हरियाणा से इकट्ठे हुए हैं, और आगे आंदोलन का भी अब पूरा ऐलान होगा। और आने वाले समय में जनता रिटायर्ड कर्मचारी सड़कों पर होंगे और जनता के साथ मिलकर भी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ जी, ये इसमें स्टूडेंटों के लिए बहुत गलत हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। इसमें गरीब भी है और अमीर भी है, काफ़ी लोग हैं वो अपना इतना कर्ज नहीं दे सकते। जो सुचारू रूप से पहले पढ़ाई चल रही थी इनकी, कोर्स की थी, वही चलाई जाए। सरकार की नीति गलत है। सरकार जानबूझ के इस हिंदुस्तान को जो एक गुलदस्ते के तौर पे बना हुआ था उसको डिवाइड एंड रूल पे आपस में कर्मचारी कर्मचारी से, हिंदू मुस्लिम से, सिख ईसाई से बांटने के अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। और अफसोस इस बात का है कि हमारे जैसे बड़े लेके और दूसरे आदमी भी एंड टाइम पे, खासकर इलेक्शन के टाइम पे, पता नहीं कौन सी ये घुट्टी पिलाई जाती है, सब के सब वहीं वोट देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है इन मशीनों में, गड़बड़ है। जैसा कि भाई आपने देखा भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात के बारे में ये कहा है। तो ये सरकार तो चाहती है कि कोई भी आदमी को, अब आप देखिए किसी अगर कर्मचारी को पक्का कर्मचारी भर दो, हम कहते तुम्हारा ही अपना आदमी हो बेशक, उसे ये कौशल रोजगार योजना के तहत या भैया ठेके प्रथा के तहत क्यों भर्ती करते हो, उसको एक बार नौकरी लगा दो, उसकी चिंताएं मुक्त हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, अमन चैन से ज़िंदगी गुजारे। सरकार ऐसा नहीं चाहती। अब यह मिलिट्री में जो भर्ती की जा रही है सरकार की पॉलिसी के तहत, इसमें ये 4 साल के बाद 5 साल के बाद बच्चे क्या करेंगे, ये बताइए आप। मतलब सरकार जानबूझ के मतलब इस तरह से कर रही है, लेकिन जिसने बुरा किया है उसका बुरा होएगा, चाहे वो अब 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो। जो अच्छा करेगा अच्छा बोएगा, जो अच्छा काटेगा, जो बुरा करेगा बुरा काटेगा वो, ये नेचर का मतलब जो है। तो भाई तराई तराई तो सब जगह मची हुई है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, और ये सरकार जानबूझ के कर रही है। अब ये कह रहे भाई तुम लोगों को तो पेंशन पहले ही फालतू मिल रही है, भाई हमें तो मिल रही है एक, और वो भी 36 साल 38 साल और 34 साल के बाद में। तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम एक बार एमएलए बन गए, दोबारा बन गए, तिबारा बन गए, एक बार राज्यसभा सदस्य बन गए, एक बार एमपी बन गए, तो ये पांच जो है मतलब पेंशन ले रहे हैं, और कर्मचारियों को एक पेंशन देने में इन्हें ज़्यादा लग रही है, ये इनके हालात हैं। मैं रिटायर्ड कर्मचारी संघ का जिले फरीदाबाद जिला का जिला प्रधान हूँ, और हम अपनी कुछ मांगों को लेकर काफ़ी अरसे से संघर्ष के रास्ते पर हैं। हमारी कुछ मांगें हैं जो हम काफ़ी अरसे से सरकार से मांग कर रहे हैं, उनमें कुछ मुख्य मांगें ये हैं कि 65, 70, 75 की उम्र होने के बाद 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी हमें मिलनी चाहिए, जो कि कई राज्यों में, केरल में, हिमाचल में, पंजाब में इनमें मिल रही है। और आज भी हरियाणा की और पंजाब की राजधानी एक है, हाई कोर्ट एक है, और अभी तक जो CSR जो कानून थे लागू, वो अभी भी जो है ना, अब हरियाणा के अलग बने, अभी तक पंजाब के लागू थे। तो जब वहाँ के रिटायर्ड कर्मचारियों को ये सुविधा मिल रही है, तो हरियाणा के कर्मचारियों को इनसे वंचित क्यों किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी, एक 2017 से सरकार कैशलेस की बात करती आ रही है, अखबारों में हर बार दे देती है, आम आदमी उसको पढ़ता है तो ये समझता है कि रिटायर्ड कर्मचारियों की मौज कर दी, जबकि कैशलेस की सुविधा का 1 रुपये का भी प्रावधान सरकार ने अभी तक नहीं किया है। इसके अलावा जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको भी LTC मिलनी चाहिए,
इस तरह की हमारी ही कुछ छोटी छोटी मांगें हैं जिसका कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है कि भाई अगर सरकार उनको लागू कर देती है तो सरकार के खजाने पर कोई लंबा चौड़ा बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अभी आपने बात करी जो स्टूडेंट्स, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, अब ये देखिए हम मांग करते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य ये दोनों मुफ्त होने चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार क्या कह रही है कि इनको 7 साल का बॉन्ड भरवाने के लिए इनको बाध्य कर रही है, और जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उनको बढ़ावा दे रही है, और सरकार अपने जो जिम्मेवारी है उससे पीछे हट रही है। MBBS के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहा जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है कि जो नहीं पढ़ सकते वो बैंक से लोन लेकर पढ़ें, और 40 लाख का जो लोन है वो 7 साल का बॉन्ड बने, 7 साल में उसको रीपे करें। तो इस तरह की जबकि मांग कर स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि हम MBBS हमें फ्री मतलब करवाई जाए, जो बढ़ाई हुई जो फीस है वो हम दे रहे हैं और इसके अलावा हम कुछ नहीं दे सकते उनको। MBBS करने के बाद में 1 साल या 2 साल जो भी वो सरकार मतलब करना चाहती है उसके लिए वो सेवाएं जहां भी सरकार उनको पोस्टिंग करती है देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार कहती है कि हमें सेवाएं की तो बात ही नहीं करी। इसका मतलब ये है कि सरकार कुछ सेवा नहीं चाहती इनसे, MBBS स्टूडेंट से और डॉक्टरों से, वो सिर्फ ये है कि बैंकों का उधार ले और प्राइवेट बैंकों से वो कर्ज लें, कर्ज का जो है ना ब्याज समेत वो भुगतान करें, इसके लिए सरकार काम कर रही है। तो इसका हम विरोध करते हैं। सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे आगे इलेक्शन आने वाला है, क्योंकि 2.5 लाख जो पेंशनर हैं हर आदमी के साथ 10 वोट कम से कम आप ये मान के चलो, और फिर उनके रिश्तेदार, क्योंकि कितना गलत काम कर रखा है, अपनी पेंशन तो धोनीमत से करते हैं और जब एम्प्लॉयज की बारी आती है तो कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। और इसलिए हरियाणा के 28 जो संगठन हैं पेंशनर के, सभी डिपार्टमेंट हैं उसमें, वो सारे इकट्ठे करके और ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है। उसका आज पहला सम्मेलन था, आज इन्होंने अपने डिक्लेयर कर दिया करें उसमें, जो फरवरी में हमारा जो एजिटेशन है, जो अगला जो स्टेप होगा उसके बाद उसमें होगा। 19 का जो इलेक्शन आया उसमें भी सरकार ने वायदा किया था, अब 8 साल हो गए और हमारी जो मांगें पुरानी हैं उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया। तो हमारे पेंशनर्स में कर्मचारियों की बहुत रोष है और उसी रोष को प्रकट करते हुए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हमने आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम या उपायुक्त महोदय को, उनके प्रतिनिधि जिला जो केंद्रीय ऑफिसर हैं उनको दिया है। और हमने अभी 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 कुछ दिन पहले हमारा हरियाणा सिविल पेंशन वेलफेयर कमीशन, जिसका कि मैं राज्य प्रधान हूँ, हमारा पंचायत भवन में वार्षिक सम्मेलन था, जिसके अंदर MLA नीलोखेड़ी श्री धर्मपाल गोंदर जी और OSD श्री बटला जी, प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हरियाणा, वो हमारे चीफ गेस्ट थे, उनको भी हमने ये ज्ञापन दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम ये मांग जो है मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे, और हमारा आज का भी यही ध्येय है कि मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनका यहाँ निवास स्थान भी है और यहाँ से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन करनाल में रखने का यही मकसद था, तो वो हमारी बात को सुने और हमें निमंत्रण बुलाएं और टेबल टू टेबल बैठ के जो है वो बात हो सके, ताकि जो जो मांगे हैं उनको पूरा कर सके। यदि मांगे पूरी ना की गई तो हमने अगला कार्यक्रम आज ही घोषित कर दिया है, क्योंकि आगे मौसम सर्दियों का है और हमने भी सरकार की प्रतिक्रिया देखने के लिए कि सरकार क्या करती है, कुछ करती है कि नहीं करती। 24 फरवरी को हमारा हर जिला स्तर के ऊपर इसी तालमेल कमेटी ज्वाइंट कमेटी के धरने के तहत हमारा प्रदर्शन किया जाएगा, जिला और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं जागृत हुई तो वहीं उसी समय हम फिर जो है अगला प्रोग्राम भी घोषित करेंगे, और सरकार को हम आगाह करते हैं कि 15 लाख के लगभग हमारे मेंबर्स जो हमारे, हम 3 लाख तो पेंशनर्स हैं, 2-2.5 लाख हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी नाराज हैं। अगर 5 लाख ये और उनके परिवार के सदस्य मान लिया जाए, हर घर से 3-3 है, तो 15 लाख जो है वोटर हैं। तो सरकार को अगर हमारी मांगें नहीं मानती तो ऐसा जैसे हमें वो देंगे ऐसा ही हम उनको वोट जो आगे आने वाला है तो ऐसा ही वो हमारे से आशीर्वाद या हमारी खुशियों को नहीं बांटेंगे, तो हम भी उनकी खुशियों को नहीं बांटेंगे। सरकार जागेगी, हमें आशा तो है, लेकिन सरकार को जगाना पड़ेगा। हा? सरकार ऐसे मानती नहीं, क्योंकि हम कई बार बातचीत कर चुके हैं मुख्यमंत्री महोदय से, वो तो ये कहते हैं कि आप तो पहले ही बहुत पेंशन ले रहे हो, आपको तो वापस देनी चाहिए, जबकि उनको पता है कि हर MLA अगर एक दिन भी रह जाता है MLA तब भी वो पेंशन लेता है, और वो 3-3, 4-4 पेंशन लेते हैं, अपनी पार्षद की भी, MLA की भी, MP की भी, मुख्यमंत्री भी अपनी भी लेता है। और हमारा, हम लोग 38 साल 35 साल जॉब करने के बाद
पेंशन मिलती है और वो कहते हैं कि हमारी ज़्यादा है। और कितनी फैसिलिटी लेते हैं वो, हमने तो डिप्लोमा डिग्रियां कर करके नौकरियां की हैं, और वो लोग बिना नौकरियों के बिना एजुकेशन के 10-10 पढ़े पढ़े वो आज जो है बड़े बड़े अहदों पर बैठे हैं। क्योंकि सर देखा गया है मुख्यमंत्री जी करनाल के विधायक भी है और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी है, उसके बावजूद भी अरबों खरबों के घोटाले करनाल के अंदर ही हो रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री को इनका संज्ञान लेना चाहिए ना, जब उनकी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कार्य हो रहे हैं तो आप देखें और हरियाणा में क्या हो रहा है, ये तो उनको देखना चाहिए कि भाई यहाँ अगर ये हो रहा है। हमारा हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि सरकार ने जो इस सत्ता में आने से पहले इस पार्टी ने जो वायदे किए हैं मैनिफेस्टो में 2014 में 2019 में संयुक्त रूप से सरकार है, जेजेपी में ने भी अपनी मैनिफेस्टो में ये वायदा किया था, अब दोनों की संयुक्त सरकार है और वो पेंशनर्स को जो वायदे किए हैं उसको निभाएं, अदरवाइज अगली बार जब इलेक्शन आने वाले हैं तो लोग जो हमारे पेंशनर्स हैं जो साथी हैं उनके झूठे वादों में नहीं आएंगे और उनको ऐसा ही जवाब देंगे जैसे कि उन्होंने हमें हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, बिल्कुल उपेक्षित कर रहे हैं, सिर्फ बातों बातों में ही करते हैं लेकिन धरातल पे कोई कार्रवाई कोई एक्शन नहीं है, कोई मांग जो है वो मानी नहीं जा रही। क्या नाम है सर आपका? एस एल दुरेजा, स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा सिविल पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन करनाल एंड मेंबर ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिटायर्ड हरियाणा, जिसका कि आज हमारा यहाँ महासम्मेलन। जिस घर में बुजुर्गों की कदर नहीं होती तो वो भविष्य में फेल हो जाता है, तो हम भी एक सरकारी घर के बुजुर्ग हैं जो अगर हमारी भी कदर नहीं होगी तो आगे भविष्य सरकार का क्या रहेगा, ये आप खुद ही सोच सकते हो। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम प्रकाश शर्मा, प्रेस सचिव हरियाणा सिविल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा, हेड ऑफिस करनाल। धन्यवाद।